तो हाय दोस्तों, मेरा नाम देवर्तन अग्रवाल है और आज मैं आपको एक हाफ स्वॉटिंग मोबाइल कैसे बना सकते हैं एक आपको बता रहा हूँ मेथड। क्योंकि ये मेरे पास एक मोबाइल रखा हुआ है और इसको मुझे बनाना है, तो इसकी मैंने फॉल फाइटिंग मैंने निकाल ली है। तो पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें किस तरह से इसमें रीडिंग आ रही है या कितना एम्पियर ये ले रहा है, और हम इसको देखेंगे और हम किस मेथड से हम इसको बना सकते हैं। सो आज मैं दो मेथड यूज़ करूँगा, एक रोजिंग मेथड यूज़ करूँगा और एक थिनर मेथड यूज़ करूँगा। और दोनों मेथड से नहीं बना तो फिर मैं तीसरी मेथड जो अपनी क्लास में बताता हूँ वो भी मैं यूज़ करूँगा इसमें। तो देखिएगा, अगर बन जाता है तो इज़ गुड दोनों मेथड से, नहीं तो फिर हम तीसरी मेथड भी यूज़ करेंगे। हाफ शॉटिंग ढूंढने का एक बहुत अच्छा एक SMD से हम हाफ शॉटिंग ढूंढ सकते हैं, बट उसके भी अलावा एक रीडिंग के हिसाब से हम हाफ शॉटिंग को जज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले मोबाइल की कंडीशन दिखाता हूं। एक MI का ये मोबाइल है, देखिए यहां पे मैंने मोबाइल यहां पर इस तरह से लगाया हुआ है और यहां पे मैंने इसका प्लस लगाया हुआ है। पहले मैं आपको DC मशीन के दिखा देता हूं। ये मेरी DC मशीन 4 वोल्ट पर और मैंने ये मेरा जो है ये 5 एम्पियर पे, ये देखिए 5 एम्पियर पे ये सेट है। तो हम इसको देखेंगे, तो मैंने यहां पर प्लस लगाया हुआ है, मुझे सिर्फ माइनस को टच करना है। तो अब देखिएगा ये कितना करंट ले रहा है, जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ ये देखिए अपने आप 8.18 तक ये जा रहा है। ये देखिएगा जैसे मैं इसको छूता हूँ वैसे यहाँ पे करंट ले रहा है। अब जैसे हटा दिया, ये देखिएगा ये हटा दिया और यहाँ पे आप देखिए 0 है, और जैसे ही फिर मैंने इसको टच किया यहाँ पर ये 0.18-17 तक जा रहा है। चलिए अब हम इसको DC मशीन में चेक करते हैं, और अब हम इसको चेक करते हैं अपने मल्टीमीटर में। और DC में हमने चेक कर लिया है, यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं मल्टीमीटर यहाँ मेरा शो हो रहा है, ठीक है। और मैंने उसको ओम्स मोड पे इसको मैंने लगा के रखा हुआ है, तो मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ। तो पहले तो मैं इसका जो एक्चुअल BBAT का रीडिंग है वो आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो BBAT की रीडिंग है वो 3 से 6 प्रॉपर आ रही है और जो कि स्टेबल भी है। अब मैं इसको रिवर्स मोड में करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मैंने ब्लैक को मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है, रेड को मैं अपने पॉजिटिव सिरे से टच कर रहा हूँ, और जैसे मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर 292 आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको टच कर रहा था, देखिएगा आप ये यहाँ पर मैंने टच किया क्योंकि एक ही हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ दोस्तों, इससे थोड़ी सी दिक्कत है और कुछ नहीं है। देखिए ये यहाँ पर आ गया है, ये देखिए ये मैंने इसको टच किया और आप रीडिंग देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर देखिए ओके। और मैं रीडिंग दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर जो रीडिंग आ रही होगी ये देखिए यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो 293, मतलब दोनों रिवर्स में रीडिंग आ रही है। सो ये फुल शॉट नहीं है। इससे पहले मैंने एक सैमसंग का मोबाइल मैं आपको दिखाया था, वो एक फुल शॉट था, उसमें जो मेन अपना BBAT लाइन होता है वो पूरा फुल शॉट था। अभी यहाँ पर BBAT फुल शॉट नहीं है, तो उसको किस तरीके से बनाएंगे तो ये देखिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ मैंने एक कैमरा सेट करके रखा हुआ स्क्रीन पर, और ये मेरी PCB है। तो उस पर भी सेम हम वही टेक्निक पहले थिनर का यूज़ करते हैं, और अगर सक्सेस हो जाता है तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि रोजिन टेक्निक भी यूज़ करते हैं तो क्या वाकई में वही रिजल्ट मिलता है क्या। और अगर दोनों चीज़ नहीं मिली है तो मैं आपको इसमें एक तीसरी टेक्निक आज बताऊंगा, और अगर मिल जाती है तो ठीक है, फिर नहीं तो आपको वेट करना होगा उसके लिए, नहीं तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। खैर ये PCB मैंने निकाल लिया है यहाँ पर। सबसे पहले आई स्कैनिंग मैंने हमेशा बोला है कि अपने आई स्कैनिंग करो, देखिए कि कहाँ पे कोई कंपोनेंट आपका लीकेज तो नहीं है। यहाँ पर जितना हो सकता है प्रॉपर आई स्कैनिंग हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ IC देखना है, ये हमें कैपेसिटर्स देखना है कि कहीं पे कालापन तो नहीं आपको दिखाई दे रहा है। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हल्का सा ये कालापन है, ठीक। तो हम ये नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर हम थिनर का अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये इसमें मैं इसको थोड़ा ICO से डिटेलिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो में यही खासियत है कि सिर्फ PCB की हाफ शॉटिंग नहीं, मैं आपको PCB के ICO का थोड़ा नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये जो IC लगी हुई है ये कॉलकम का पावर IC है, ये मेन पावर IC, इसमें एक ही पावर IC की यूज किया गया है 8916 PM 8916। ये इसका यहाँ पर सैमसंग का एक
EMMC लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, और बेसिकली EMCP है, और क्योंकि इसमें रैम और आपका जो फ्लैश का जो पार्टीशंस होता है, जो फ्लैश के जो पोर्शन होता है वो भी है. सो रैम प्लस रोम दोनों है इसमें. सो रोम हो गया इंटरनल और रैम हो गया आपका जो प्रोसेसिंग करता है सीपीयू के साथ में. इसलिए सीपीयू के या तो सीपीयू के ऊपर लगा दिया जाता है या तो सीपीयू के साथ में ईएमएमसी के साथ में इसको कॉम्बो बना दिया जाता है. और यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा ये एमएसएम का सीपीयू है. यहाँ पर ये जो सेक्शन हो गया ये पावर सेक्शन है. यहाँ पर आपको एक आईसी दिखाई दे रही होगी. सो ये TR करके जो ये आईसी है एक कोड रजिस्टर के बगल में, तो ये एक चार्जिंग आईसी है. और यहाँ पर हम बात करेंगे ये नेटवर्क सेक्शन है, ये PFO लगा हुआ है एक यहाँ पर. ये मेन अगर हम RF सेक्शन की बात करें सो यहाँ पर जो हमारा RF IC लगा हुआ है, देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ. क्योंकि क्वालकॉम है तो जो RF लगा होगा वो WTR लगा है यहाँ पर. अब जैसे कि मुझे इस आईसी के नीचे देख रहा है तो मैं इसकी जो प्लेट है उसको कट करके देखता हूँ. नॉर्मल हमें हीटिंग देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है. अक्सर जो टेक्नीशियंस हो रहे हैं वो हीट देकर अपनी पीसीबी प्लेट को खराब कर देते हैं पूरी तरीके से. तो आप कटर का यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बड़ी आसानी से मैंने इसको काटा है. ये देखिए जितना मुझे चाहिए था उतना मैं यूज कर रहा हूँ. मैंने बिल्कुल प्लेट को हीट नहीं दिया. ये देखिए बहुत बहुत आसानी से ये ऊपर की जो मेरी केन है ये सील्ड है ये निकल चुकी है. और ये WTR है मतलब ये RFIC है, बेसबैंड है आपका. और ये PFO लगा हुआ है यहाँ पर, ये नेटवर्क सेक्शन है. और अगर हम यहाँ देखेंगे ये 3.5 mm जैक कनेक्टर के कंपोनेंट है. यहाँ पर एक रिंगर IC, यहाँ पर एक फ्लैश LED IC, इसके अंदर वाईफाई IC दी हुई है और एक सेंसर IC लगी हुई है यहाँ पर. यहाँ पर लाइट सेक्शन दिया हुआ है, सर्किट 2 बनाता है जो. और ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है, ये सिम सेक्शन है. और इसके साथ एक ESD IC दी हुई है, रेगुलेटर IC है, एक LDO लगा हुआ है यहाँ पर. और यहाँ जो इन्होंने पत्रा डाल के रखा हुआ है ये आपके जो वाईफाई और WT के कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पर. सो यहाँ पर देखें आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर रेड पोजिशन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें पानी गया हुआ है. हालांकि पहले भी किसी टेक्नीशियन से होकर आया होगा तो उन्होंने इसको वॉश किया होगा, वॉश के दौरान भी ये पानी लग जाता है. तो PCB देख कर यहाँ पर जैसे कि अंदाजा देखिए यहाँ पे कैपेसिटर पे एक जैसे पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों. आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा शॉर्टिंग के वीडियो बहुत सारे हैं. सो मेन कंसेप्ट शॉर्टिंग तो है पर मेन कंसेप्ट आपको कुछ और भी बताना है. इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि ऐसे में आपको एक आने वाले पे इसके जस्ट आगे आपको दो वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें एक चार्जिंग का वीडियो और एक आपको दे डिस्प्ले का एक सेक्शन का वीडियो, ट्रेसिंग का एक वीडियो मैं आपको दूंगा. तो ये कैपेसिटर हमारा फॉल्टी हो सकता है, पर खैर इसको हम चेक करेंगे. यहाँ पे एक एंटीना लगा, ये आपका मेन एंटीना है, ठीक है. तो चलिए इसको चेक करते हैं. ये इस एंड सब एंटीना के साथ जुड़ा होता है और ये फिल्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पर. ये एक अक्सर लोग इसको कपलर समझते हैं पर ये फिल्टर्स है. तो चलिए हम इसको चेक करते हैं. यहाँ पर आपके स्विच लगे हुए हैं, ये सब स्विच हैं आपके और ये स्विच के कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम इसमें थिनर का यूज़ करेंगे और DC मशीन हम 5 एम्पेयर की यूज़ कर रहे हैं. तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ 5 एम्पेयर की DC मशीन ही यूज़ करना है, 4 एम्पेयर का DC मशीन आपको नहीं लेना है. तो पहले मैं पावर सेक्शन में चेक करूँगा. आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पर थिनर का अप्लाई किया हुआ है और अब मैं यहाँ पर यूज करता हूं तो यहां पर देखिए मैंने ये लगा के रखा हुआ है, ठीक है. और ये अब मेरा 18 जा रहा है. अब देखिएगा आप तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि जिससे हमें लग रहा हो कि हमारा थिनर सूख रहा है या इस तरह का हमारा थिनर हमारा या हमें धुआं दिखाई दे रहा है या थिनर हमारा ये लीक कर रहा है या पी रहा है, इस तरह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. तो मतलब यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं हमें दिख रहा है. हम रोजिंग लगा के भी एक बार चेक करेंगे तो ये दोनों चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ. अब
यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने नेटवर्क सेक्शन में लगाया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देख रहेंगे कि नेटवर्क सेक्शन में भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिससे हमें लगे कि हमारा यहाँ पर टेनर सूख रहा है। तो अभी हमारा नेटवर्क सेक्शन सही है और हमारा पावर सेक्शन सही है। ये कैमरा देखते रहना यहाँ पर कि वर्किंग कर रहा है कि नहीं, यहाँ पीछे बैठ जाओ। ये नेटवर्क सेक्शन अब हमारा सही है और यहाँ पे हमारा पावर सेक्शन सही है। और अब हम एक बार सीपीयू और ईएमसी के ऊपर देख लेते हैं। हालांकि बहुत कम सीपीयू और ईएमसी पे शॉर्टिंग अक्सर होती है। तो अब हमने यहाँ पर डीसी मशीन लगा लिया है, 5 एम्पीयर का डीसी मशीन ही यूज करना है। और अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, देखेगा आप। सो जैसे ही मैंने इसको किया, मेरा ये करंट ले रहा है, पर अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि थिनर यहाँ पर ले रहा है। तो दोस्तों अब हम इसको अपोजिट साइड देखते हैं, हमारा यहाँ पे पावर सेक्शन क्लियर है। अभी ना हमारे को यहाँ पर कुछ ऐसा लगा कि यहाँ देखिए अभी भी थिनर वही का वही है, सारे कंपोनेंट में कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा जहाँ थिनर आपको सूख रहा है, और यहाँ पर भी ऐसा कुछ कहीं नहीं लगा कि थिनर सूख रहा है बोर्ड में। और अब हम यूज करते हैं, अब हम पीछे जाते हैं और अपने पीछे जाके हम अपने रिंगर आईसी को चेक करते हैं। रिंगर आईसी भी लीकेज होती है क्योंकि उसमें भी मेन आपके बीबैट और बीपीएच का करंट होता है। सो अब हमने यहाँ पर रिंगर आईसी पर लगाया और अब हमने देखिए यहाँ पे हमने करंट दिया हुआ है, ये रेड हमने लगाया है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे हमको ये फॉल्ट पता चले कि ये यहाँ का कोई प्रॉब्लम है। तो हम आगे बढ़ेंगे और अब हम अपने लाइट सेक्शन को चेक करते हैं। दोस्तों लाइट सेक्शन में जैसे हमने यहाँ पे थिनर लगाया, आप देखिएगा अगर हमें यहाँ पे कुछ दिखता है। और तो आप जैसे आप देखिए आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये पूरा थिनर इसने सोख लिया है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। आप देखिए अब मैं इस कैपेसिटर पे वापस थिनर लगाऊंगा। इस कैपेसिटर देखिए, अब इस कैपेसिटर को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इस कैपेसिटर में पूरे कंपोनेंट में सिर्फ ये कैपेसिटर एक ऐसा है जिसने यहाँ पे थिनर को पूरा सोख लिया है। तो चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे दो मेथड यूज करने वाला हूँ। तो दूसरी जो मेथड है अब वो रोजिंग मेथड है, तो हम इसको रोजिंग मेथड यूज करते हैं। तो रोजिंग मेथड यूज करने के लिए पहले हमें पीसीबी को क्लीन करना होगा। उस पर हम थिनर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सूखा हमें पीसीबी चाहिए यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल सूखा है, अब इसमें हम रोजिंग यूज कर रहे हैं दोस्तों। ये कैमरा वर्किंग है ना, देखो। तो अब हम यहाँ पे रोजिंग यूज करेंगे। देखिए जितना हमें एरिया में, हमें बहुत ज्यादा एरिया यूज नहीं करना जब हमें पता है कि हालांकि मुझे पता है कि कहाँ पर ये शॉर्टिंग आ रही है। तो मैं बहुत ज्यादा एरिया में अपना रोजिंग यूज नहीं करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है और मेरे लिए इतना काफी है। अब मैं इसी कैपेसिटर को थोड़ा सा और चेक करता हूँ। तो ये जो पहली टेक्निक थी, ये जो टेक्निक थी ये थी आपकी थिनर के साथ में। अब जो दूसरी टेक्निक हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो रोजिंग के साथ में। बहुत से लोग कमेंट कर रहे होंगे कि सर ये वीडियो तो ऑलरेडी डले है। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि वीडियो में कुछ ना कुछ यूनिक रहता है, जैसे मैंने इस पीसीबी की डिटेलिंग दी है और इसके साथ में आपको यहाँ पे मैं थोड़ा लाइट आईसी का भी डिटेलिंग दूंगा। देखेंगे अब हमने यहाँ पर प्लस लगा लिया है और अब हम इसको माइनस पर टच करेंगे। आप देखिएगा वो कैपेसिटर, तो जैसे ही मैं इसको टच कर रहा हूँ तो देखिएगा वो कैपेसिटर अपनी ओर जो रोजिंग लगा था वो मेल्ट हो गया है। और बाकी मैंने कहीं और रोजिंग लगाया क्योंकि थिनर में अप्लाई कर चुका था। हालांकि आप बहुत से लोगों के सवाल ये होते हैं कि सर रोजिंग अच्छा होता है कि थिनर से करना चाहिए कि 4 वोल्ट की बैटरी से करना चाहिए कि फ्रीजी स्प्रे से करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीजी स्प्रे तो बिल्कुल भी ना परचेस करें, वो बिल्कुल वेस्ट है। और 4 वोल्ट की बैटरी ना यूज करें क्योंकि वो जो प्रॉपर वोल्टेज हम अगर सेकेंडरी लाइन पे हमें देना है तो 4 वोल्ट हम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो बिल्कुल एक नॉलेज के साथ बिल्कुल शॉर्ट किलर जैसा हो जाता है कि हर जगह पे शॉर्ट किलर नहीं टच करना है। और शॉर्ट किलर के भी कितना वोल्टेज हमें रखना है, क्या एम्पियर हम यूज कर सकते हैं। इसलिए थिनर और रोजिंग में अगर हम बेस्ट करें तो दोनों ही बेस्ट है। तो अब हम ये जो लाइन है दोस्तों, मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेन आपका
छह लेग का सर्किट है लाइट आईसी का, इसके साथ में ये सीरीज में डायोड और एक बूस्ट कॉइल लगा है। ये इसका इनपुट बी बैट का कैपेसिटर है और इसमें ये इनपुट में एक कॉइल लगी हुई है। इस जो छह लेग का सर्किट है वो जो आम छह लेग के सर्किट के आता है वो से थोड़ा अलग है। ये एमआई में जो सर्किट या जो क्वालकॉम में जो सर्किट देते हैं छह लेग में, उसमें जो ग्राउंड होता है वो अक्सर तीसरे पॉइंट पे ना होके वो अक्सर दूसरे पॉइंट पे ना होके वो तीसरे पॉइंट पर रहता है। और इसका सर्किट भी अलग है। और इसी तरह से हम अपने क्लास में ऐसे ही अलग अलग सर्किट को भी हम एक्सप्लेन करते हैं, जितना भी डिस्प्ले सेक्शन हो गया, चार्जिंग सेक्शन हो गया, या हर आपको रिंगर आईसी का सेक्शन हो गया, हम आपको पिन आउट का डिटेलिंग करते हैं और एक एक पिन के बारे में आपको बताते हैं कि कौन से पिन में क्या सप्लाइयाँ जा रही हैं और क्या सप्लाइयाँ आ रही हैं। और हम हर आईसी का जीआर भी अपने स्टूडेंट को नोट कराते हैं। तो अब हम एक कैपेसिटर को निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कैपेसिटर को निकालने के बाद में ये भी देखेंगे, क्योंकि ये मेन कैपेसिटर है, क्योंकि डायोड के माइनस के साथ लगा हुआ है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि कैपेसिटर कहां के लिए निकालना चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पावर आईसी और लाइट सेक्शन से निकालना चाहिए। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कैपेसिटर आपके डायोड के जो माइनस का है कैथोड के साथ में जब लगा देते हैं कैपेसिटर, और जब वो डायोड को सीरीज में लगा देते हैं तो वो डायोड का जो एसी से डीसी कन्वर्सन होता है, तो वो डीसी प्योर डीसी उसको कन्वर्ट करने के लिए आगे भेजने के लिए एक फिल्ट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और फिल्ट्रेशन करना है तो प्रॉपर एक कैपेसिटर लगाने की बहुत आवश्यकता है। और वो जो कैपेसिटर होता है वो मेन वोल्टेज कैपेसिटर कहते हैं, इसलिए कैपेसिटर थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होता है और इसको मेन लाइट कैपेसिटर कहते हैं। अगर ये कैपेसिटर हम निकाल देते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि में जो लाइट है वो नहीं आती है, तो या तो बहुत कम आती है या तो नहीं आती है। तो चलिए हम इस कैपेसिटर को निकालेंगे यहां पर और देखते हैं कि हमारी लाइट आती है और नहीं आती, तो हमें कैपेसिटर भी लगाएंगे यहां पर। कॉम्पोनेंट को यूज करने के लिए जो आपको नोजल यूज करना है वो 6 और 8 एमएम का नोजल यूज करना है। मैं हालांकि थोड़ा सा बड़ा नोजल यूज कर रहा हूँ, और क्योंकि जब अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर अनुमानित काम कीजिए। आप देख रहे होंगे मेरा आधा नोजल बिल्कुल मैंने बाहर रखा हुआ है और आधा नोजल मैंने यहाँ रखा हुआ है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, और बहुत ज्यादा इस तरह से हिलाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एक हाई टेम्परेचर पर मैं इसको निकाल रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, तो ये मेरा कैपेसिटर आसानी से इजीली निकल गया है। और अब इस कैपेसिटर को मैं कर देता हूँ साइड, और अब मैं आपको सेम फिर से अपनी पीसीबी पर एक बार वोल्टेज चेक करा देता हूँ, और एक बार मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि मेरा सेट ऑन हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर जो हमें रीडिंग आ रही थी वो रीडिंग भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि कैपेसिटर निकाल लिया है, और अब हम डीसी मशीन को लगाते हैं। आप देखिएगा डीसी मशीन यहाँ पर हमने मैं आपको दिखाता हूँ, 4 वोल्टेज और 5 एम्पीयर पर सेट है। अभी हमने इसको ऑन ऑफ बटन दबाया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप इसको देख रहे होंगे, मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। सो मैंने यहाँ पर प्लस लगाया। पहले आपने देखा होगा कि ये 18 और 20 का एम्पीयर ले रहा था, 0.18 0.20 एम्पीयर पर जा रहा था। अब देखिएगा, सो मैं इसको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने प्लस लगाया और ये देखिए, अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है। देखिए देखिए, ये मैंने इसको टच कर रहा हूँ और ये कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा। अब देखिए, मैं पावर की दबाता हूँ और देखता हूँ, ये देखिए अभी मेरा सेट भी ऑन हो रहा है। आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है, पर अभी हम डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं कि हमारा सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं मल्टीमीटर से भी दिखा देता हूँ इसको। तो मल्टीमीटर में यहाँ पर मैंने इसको डायोड रेंज पे सेट किया हुआ है। आप जैसे कि डायोड रेंज देख रहे होंगे, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं फ्लिप के मल्टीमीटर की एक बार आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट पर बताइए। दोस्तों, जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको पढ़ने आना है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कीजिए। तो सबसे पहले मैंने कोल्ड टेस्टिंग की बी बैट पर, तो मुझे जो रीडिंग मिली वो एक्चुअल 336 मिली, और जितना मुझे मिलना चाहिए था। और अब मैं वापस इसको रिवर्स मोड में कर रहा हूँ। सो देखिए, रिवर्स मोड में हालांकि रीडिंग भरी हुई है, सो यहाँ पर लीकेज तो है, क्योंकि कई बार दोस्तों ये होता है कि एमआई के सेटों में दोनों रीडिंग आती है, पर यहाँ पर ये मैं इसको लीकेज इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी हमको कोई भी करंट का फ्लक्चुएशन यहाँ पर नहीं हुआ है। अब मैं इसको डिस्प्ले में लगाता हूँ, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ दिखाइए जरा। तो देखिएगा, मैं आपको डिस्प्ले में लगाता हूँ इस सेट को।
देखिए ये प्रॉपर यहाँ पर डिस्प्ले लग गया है और आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर जूम करो। अब मैं इसको पावर की कर रहा हूं दोस्तों, देखिएगा तो देखिए पावर की हो गई है और यहाँ पे MI का लोगो आ चुका है। थोड़ा सा और पास लेके आओ, देखिएगा आप MI का लोगो आ, देखिए आपको MI का लोगो ये जो दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें लाइट नहीं आ रही है और ये रीजन इसलिए है कि हमारा सेट यहाँ पे ऑन हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा ऐसे हो जाओ और ऐसे ऐसे लेके मेरे को दिखाओ यहाँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो लाइट का सेक्शन है, यहाँ पे जो मेन कैपेसिटर है वो नहीं है। जो ये कर क्या रहा है, ये बूस्ट कॉइल को फिल्ट्रेशन फिल्टर कर रहा है, ये बूस्ट कॉइल की जो फ्रिक्वेंसी है उसके जो वोल्टेज को फिल्टर कर रहा है। और अगर ये कैपेसिटर नहीं होगा तो जो आउटपुट में जो वोल्टेज बनना है IC से, जो फ्रिक्वेंसी बना के जो IC वोल्टेज देती है, जो 12 वोल्टेज से वो 40-50 वोल्टेज तक देती है, वो वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और यही रीजन है कि हमें फोन तो हमारा ऑन हो गया है पर लाइट नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम एक दूसरे सेट से अपना कैपेसिटर निकालते हैं। तो देखिए मैं एक दूसरे सेट से, एक मेरे पास सेम दूसरा सेट रखा हुआ है, मैं यहां से एक कैपेसिटर यहां से मैं निकालता हूं और ये कैपेसिटर हम यूज करेंगे हमारे लाइट सेक्शन में। तो देखिए हमने कैपेसिटर निकाल लिया है, अब हम अपना PCB लेंगे और यहां पर अपना कैपेसिटर लगा देंगे। अगर आपको कैपेसिटर चेक करने, अगर आपको कंपोनेंट या आपको सर्किट का नॉलेज नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। 8 से 8 पूरा 12 घंटे की हम यहां पर ट्रेनिंग देते हैं, पूरा आपको यहां पर 5 से 8 घंटे का सिर्फ रोज की रोज प्रैक्टिकल आपको क्लासे यहां पर देखने को मिल सकता है। जिसमें हम सर्किट का पूरा नॉलेज देते हैं दोस्तों। तो देखिए ये कैपेसिटर मेरा लग गया है। अब एक बार मैं फिर से यहां पर दिखाना चाहता हूं कि मेरा जो लीकेज है वो वापस वैसा वापस तो नहीं आ गया है। तो मैं यहां पर PCB यहां से करके आपको दिखाता हूं, थोड़ा PCB हम ठंडा होने देते हैं। अब मैंने यहां पर लगाया और मैं इसको देख रहा हूं कि मेरा लीकेज वापस तो नहीं आया है। कैपेसिटर मैंने यहां पर लगा दिया दोस्तों, तो जो लाइट सेक्शन का जो मेन कैपेसिटर होता है वो सिर्फ लाइट सेक्शन से ही लगना चाहिए। अगर आपका सेम PCB नहीं है तो आप किसी भी दूसरी PCB से लाइट सेक्शन का जो मेन कैपेसिटर है वो आप पहचानिए और उसको निकालिए। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूं और देखता हूं कि, तो देखिएगा ये मेरा बहुत ज्यादा एम्पीयर ले रहा है, मतलब ये जो कैपेसिटर मैंने निकाला है बोर्ड से वो भी मेरा खराब कैपेसिटर है। तो मैं ये कैपेसिटर चेंज करूंगा फिर से और दूसरा कैपेसिटर एक लगाऊंगा। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे कैपेसिटर निकाला है, वो खराब निकल गया और ऐसे ही होता है, इसलिए हमारे पास में दूसरे तीसरे बोर्ड होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं एक कैपेसिटर और निकाल लेता हूँ। और ये वाला कैपेसिटर लगा के चेक करते हैं एक बार, बिना कैपेसिटर के हम बोर्ड भी चेक करेंगे। ये देखिए अब ये वाला कैपेसिटर हम लगाएंगे इसमें, पर इससे पहले एक बार हम बोर्ड चेक कर लेते हैं अपना। हाँ बोर्ड हमारा बिल्कुल सही है, फॉल्ट वो कैपेसिटर में था। ये बिल्कुल आपके सामने प्रैक्टिकल है, इसलिए यहाँ पर ये चीज हो रही है, वीडियो में अनकट बिल्कुल कुछ भी नहीं किया गया है।
अब ये कैपेसिटर मैं यूज करता हूँ दोस्तों, अगर आपका टिप्स है ना बिल्कुल सरफेस पे आ जाए और उसमें कुछ भी आपको ऊपर जो सोल्डिंग नहीं है वो नहीं दिखे, तो उसको किस तरह से सोल्डिंग बनाए ये मैं आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लेन टिप्स पर किस तरह से टिप्स बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम वो कैपेसिटर बिठा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए कैपेसिटर बैठ चुका है। अरे यहां से तो पीछे देखिए कैपेसिटर बैठ चुका है, अब हम फिर से अपने बोर्ड को चेक करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले हम अपने बोर्ड को चेक कर लेते हैं। जैसे हमने बोर्ड को पहले चेक किया था तो हमें यहाँ पर एम्पियर नहीं शो होना चाहिए, अगर उसके बाद में अगर नहीं हुआ तो फिर हम चेक करेंगे कि हमारी लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने अपना मेन कैपेसिटर चेंज किया है, तो देखिए हमारा ये कैपेसिटर हमें सही दिख रहा है। आप जैसे कि देख रहे होंगे कैपेसिटर लगाने का यहाँ पे कोई भी एम्पियर नहीं आ रहा, तो चलिए इसको बोर्ड में लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारी लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बार बार भीख मांग रही है दोस्तों, आपके लाइक का प्यार, आपके लाइक और सब्सक्राइब के भूखे हैं बस दुनिया वाले ये मैं एडिट कर दूंगा, टेंशन ना ले आपकी मोहब्बत चाहिए बस तो पीसीबी को हम लगा देते हैं और पीसीबी को झट से ऑन करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक चार्जिंग सेक्शन का डायग्राम के साथ में वीडियो आपको दूंगा। हालांकि प्रॉपर सोल्यूशन आपको कहां मिलेगा, जब तक आप सामने आएंगे नहीं इंस्टीट्यूट में तब तक आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा नहीं। सिर्फ खाली यूट्यूब से सीख नहीं सकते दोस्तों, यूट्यूब से भी एक अपडेट करता है। तो ये मैंने माइनस पर माइनस और प्लस पर प्लस लगा दिया है। अब आप देख रहे होंगे थोड़ा सा पास में आइए और यहां पे मैंने पावर की को दबाया। देखिए दोस्तों यहां पे एमआई का लोगो आ गया है, लाइट आ चुकी है और इसी तरीके देखिए थोड़ा वो एक्चुअली निकल गया ये, तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। तो हमारा सेट प्रॉपर ऑन भी हो चुका है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए तो यहां पर एमआई का लोगो आ चुका है और पहले हमारा प्रॉब्लम थी ये डेड सेट हमारे पास आया था, फिर दूसरा इस सेट में हाफ स्लॉटिंग थी तो हमने पहले इसकी हाफ स्लॉटिंग निकाली, फिर इस सेट में लाइट चली गई थी तो हमने इस सेट को लाइट हमने इसका बनाया, हमने एक आपके सामने एक कैपेसिटर चेंज किया तो उससे हमारा स्लॉटिंग बढ़ गया, फिर हमने दूसरा कैपेसिटर चेक किया चेंज किया तो फिर हमारा जो लाइट है वो वापस आ गया। ये देखिए यहाँ पे एंड्रॉइड का लोगो दिखाई दे रहा होगा आपको, सो यहाँ पे एंड्रॉइड का लोगो आ गया है। बने रहिए चैनल पे, इसी तरह बने रहिए चैनल पे और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2020। थैंक यू वेरी मच। तो हम बात करते हैं, हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास सीपीयू वाइज खत्म हो चुकी है, अब बची है फाइल वाइज, तो मैं बात करता हूं। तो आईफोन की फ्लैशिंग कर लेंगे।
मेरा डेकी यस सर, कॉलकम यस सर, एमआई यस सर, सैमसंग यस सर, एसपीडी यस सर, ठीक है वेरी गुड। अब दो टूल होते हैं, आई ट्यून होता है और थ्री यू ट्यून होता है। आई ट्यून और थ्री यू ट्यून, आप पहले से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सर मैं फ्रेशर हूँ। आप भाई ये बताइए, आप कितनी इजी लगी आईफोन की फ्लैशिंग? बहुत इजी लगा सर। अब आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब आप छोटा सा ये बता दो कि आपने ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके आप कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मतलब सही चूज किया कि? सही चूज किया, मैं कह रहा हूँ सही चूज किया। चलिए अब मीडियाटेक की फ्लैशिंग किस मोड में होती है? फ्लैश मोड से। तो मीडियाटेक की फ्लैशिंग सभी कर लेंगे? कितने लोग कर लेंगे? इंडिया का मोबाइल इंस्टीट्यूट कौन है?